trailer is getting a huge response. Thank you. It's crossed the millions of views in YouTube. So how you're getting the response from the audience, your friends, your family? I think it's very positive, because what people say is that if you're doing a film here, we always want to make a different film, and they're saying Parmanu is a different film, very interesting. But the most exciting thing is saying ye commercial film lagti hai yaar, ye engaging thriller lag rahi hai. So I think that's the biggest plus we're getting out. Ke matlab kuch hone wala hai isme, and I think that's very exciting. Okay, Abhishek sir. No, I think I was always sure that the subject should appeal to the people, but I think the way the trailer has been cut, the way it is being marketed by John's team, and the way people are now reacting, even to the song, Sachin Jigar ne bhi bahut acha music diya hai. Or Shubhdin was trending, and now I have heard the other song is also trending. Which one? His favorite song, Jitni Dafa, bahut inka favorite song hai. तो वो दोनों गानों ने जितना अच्छा किया जितना जितनी दफा पीछे कहानी और पिक्चर देंगे तब समझ आएगा क्यों हंस रहे हम दोनों. लेकिन Shubhdin रियली रियली यू नो टुक द ट्रेलर फॉरवर्ड, एंड अब हर गाना जब आएगा सो आई थिंक कहीं ना कहीं पिक्चर का इंटरेस्ट और पीक होगा. सो मुझे यकीन है, एंड जितने कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ यूट्यूब पे और सोशल मीडिया में, आई थिंक पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म. हाँ, हमें शायद पब्लिसिटी के लिए थोड़ा कम वक्त मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक विद द मटेरियल, जिससे का मटेरियल बाहर आ रहा है, वील मेक अप फॉर इट. ओके सर, प्रमाणु एक रियल बेस्ड लाइफ पे बेस्ड है, बट आपने इसके लिए प्रिपेयर कैसे किया? इट्स एन फ्रिक्शन, इट्स अ रियल इंसिडेंट फिल्म, and it happened in on the 11th of May 1998. You can continue and just say. So basically it's inspired by a true event, but yeah, the characters are fictional. लेकिन प्लॉट जो है वो पूरा रियल है. ऑलमोस्ट 80-85% जो घटनाक्रम है वो वही है जो हुआ था उस समय. सो जॉन सर, हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर रोल? में काफ़ी वर्कशॉप्स की हम लोगों ने. कैरेक्टर का नाम अश्वथ रैना है, वो एक जूनियर ब्यूरोक्रेट है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, एंड काफ़ी मुझे अपने आप को डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ा. आई कुडंट हैव अ बॉडी. अभिषेक ने कहा कि ये जिम जाना छोड़ दो अभी, यू नो जस्ट लुक लाइक रेगुलर. और फिर हमारे मेरे कैरेक्टर के ऊपर, बैक स्टोरी के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च किया हम लोगों ने. ओके, ये मूवी में आप साइंटिस्ट एक आर्मी का रोल कर रहे हैं, और हमने प्रीवियस में देखा है कि आप मोस्ट ऑफ एक्शन जॉनर में देखे गए हैं. सो डू यू थिंक इट्स एन एक्सपेरिमेंट, आपको रिस्की गिर सकता है? नहीं, आई थिंक आई डिड मद्रास कैफे आल्सो इन द पास्ट. उसके पहले मैंने बहुत सारी ऐसे फिल्म भी की है जहाँ पे मैंने काफ़ी रिस्क लिया है, जैसे वाटर, नो स्मोकिंग, काबुल एक्सप्रेस, तो बहुत सारी. एंड आई थिंक जैसे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर जो जिसे मैं मानता हूँ, इज एंड आई लव हिम द मोस्ट, आदित्य चोपड़ा, ही सेड यू नो जॉन, योर मोस्ट इंटेलिजेंट चॉइसेस आर द वंस दैट आर डिफरेंट. सो मैं मानता हूँ कि परमाणु वही डिफरेंट चॉइस है, और मैं ऐसे ही डिफरेंट चॉइसेस करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग अगर जे एंटरटेनमेंट के बारे में सोचते बोलते हैं नहीं ये कुछ अलग ही लेके आएगा अभी, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और हमने जो सोचा है इसके बाद, शायद हम अगर यू नो व्हेन एवर अभिषेक फ्री फ्रॉम जोया फैक्टर, व्हेन वी डू दैट यू नो दैट्स ऑल्सो वेरी डिफरेंट. कि आप सोचोगे कि यार ये मतलब परमाणु अभी सैटेलाइट पर फिल्म बनाई इन लोगों ने, अभी ये क्या सोचा है उन लोगों ने. So I think that's very important to keep shocking the audience. Okay, movie mein woman heroine sir bhi hai, Diana ji bhi hai. So how was the experience working with them? It's great. I mean, Bowman's beautiful, Diana's handsome. Yeah, it's a great experience. Diana bahut hi pyari ladki hai, hard working, sincere, great screen presence. Homework karke aayi thi wo, aur kafi workshops bhi kiye usne. बमन सर तो आई मीन आप अभिषेक से पूछिए, जितना उनका कंट्रीब्यूशन था स्क्रिप्ट में, बहुत वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. वी आर रियली थैंकफुल टू हिम. या एक्चुअली वो क्योंकि हमें वक्त काफ़ी मिला, कम मिला था स्क्रीन प्ले के लिए. तीन लोग लिख रहे थे, मैं, साइवन, संयुक्ता, एंड थैंकफुली क्योंकि हम तीनों का एक्सपीरियंस रहा है इस क्राफ्ट के ऊपर, तो हम लोग कर पाए. चार महीने में हमने 5 ड्राफ्ट लिखे, लेकिन उसके बावजूद बमन सर ने कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स पकड़े थे स्क्रीन प्ले में. और उनकी अच्छी खासियत क्या है ना कि वो अपने कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं. आई थिंक ही जब भी वो डायरेक्ट करेंगे ही विल बी वेरी गुड डायरेक्टर ऑल्सो, क्योंकि वो पूरे पूरी स्टोरी को देखते थे. तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, 3-4 ऐसी चीज़ें हमें बताई जिससे कि हम लोग, और एकदम रेफरेंस के साथ, बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंसान है वो, सिनेमेटिकली उनको बहुत चीज़ें पता है. तो उनका उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इवन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत रहा. ओके, आपने बोमन हैरियन जी के बारे में तो बता दिया, जॉन को डायरेक्ट करना कैसा था? बहुत ही कमाल, बिकॉज यू नो जॉन
की सबसे अच्छी बात ये है कि वो पूरी तरह से अपने आप को यू नो डायरेक्टर को सपोर्ट कर देते हैं एंड ही इज़ वेरी पैशनेट एंड ही कीप्स आस्किंग फॉर टाइम फॉर हिज प्रेप एंड ही इज़ हंग्री टू डू न्यू कॉन्टेंट. मैंने देखा है कि उनको ऐसा कुछ नहीं कि मेरी इमेज ऐसी है तो मैं ऐसी फिल्में करूँ. एनी थिंग यू नो यू कैन डिस्कस विद हिम इफ़ इट एक्साइट्स हिम ही डज इट. तो इस फिल्म को लेके ही आई थिंक शायद 2 साल मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये है कि इतने टाइम बाद जब वो जिस फिल्म के साथ वापस आ रहे हैं 2 साल बाद वो मेरी फिल्म है यू नो वो ये फिल्म है क्योंकि कहीं ना कहीं ही ट्रस्टेड द सब्जेक्ट कि यू नो ये फिल्म करूँगा मैं एंड उस पूरी शिद्दत से उन्होंने किया है एंड इस फिल्म को का पूरा भार उनके कंधों पर है एंड आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया. ओके जॉन सर, ये मूवी राजस्थान में ज्यादातर शूट हुए, सो वाज इट टफ टू शूट इन द राजस्थान बिकॉज़ वहां की गर्मी बहुत होती है? या बट आई थिंक द इजिएस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म वॉज द शूट क्योंकि इतना होमवर्क करके हम लोग वहाँ पे गए थे और ऑफकोर्स टेम्परेचर्स वहाँ पे 50 डिग्रीज थे. द टेम्परेचर 50 डिग्रीज लाइट्स के साथ समटाइम्स 54-55 डिग्रीज गर्मी लग रही थी बट द शूट वॉज ग्रेट, द कास्ट वॉज ग्रेट, डायरेक्टर वॉज ग्रेट. एक एक शॉट के बाद ही एक एक टेक के बाद ही से ओके नेक्स्ट लाइक अरे एक और टेक करते हैं नहीं 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 मिल गया मुझे चलो आगे चलते आगे चलते. And I like that attitude because he was so sure about what he wanted and it was great working there. Okay, आप जब भी movie लाते और specially JK Entertainment जब भी लाते तो लोगों में तो लोगों में ऐसा हमेशा रहता है कि कुछ ना कुछ नया लाएंगे, तो प्रमाणु में ऐसा क्या देखने मिले हो लोगों को जो बहुत ही different हो? I think we discussed that the whole day we've been discussing that. But I think the idea is different, the script is different. इसमें villain एक रेगुलर विलन नहीं है, इसमें विलन अमेरिकन है, एक अमेरिकन सैटेलाइट है. सो आई थिंक एवरीथिंग इज डिफरेंट अबाउट दिस फिल्म. आप देखें एंड सपोर्ट दिस फिल्म, इट्स फैंटास्टिक. ओके, मूवी या ट्रेलर देखे, पोस्टर देखे तो एक बात जरूर आती है, पैट्रियोटिज्म बहुत दिखता है इसमें, तो आपके हिसाब से पैट्रियोटिज्म की क्या परिभाषा है अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी पैट्रियोटिज्म इज नॉट स्पिटिंग, नॉट डर्टिंग एनी प्लेस, बीइंग करप्ट फ्री, you know, just basic things that make India a better place, that's patriotism. जैसे हमारे फिल्म में एक लाइन है, हीरो वर्दी से नहीं इरादे से बनते हैं. तो आपके इरादे सही होने चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड अभिषेक फादर इज़ एक्चुअली फ्रॉम द एयरफोर्स, so he understands the meaning of patriotism far better than I do. No, I think every regular Indian, I mean the only thing is your contribution to your nation. Exactly, in some way or the other. आप हर तरीके से कर सकते हैं. Yeah. हम फिल्म मेकर हैं तो हम ऐसी फिल्म अगर बनाते हैं तो वो हमारा contribution हो सकता है, कोशिश है हमारी. But जैसे मेरे father airforce में थे, वो उनका contribution था. एक doctor अगर अपनी job को ढंग से निभाएगा, you know, treatment देगा लोगों को जो needy हैं, वो उसका कंट्रीब्यूशन होगा. तो हर इंसान कर सकता है, वही कंट्रीब्यूशन जो आपके नेशनल इंटरेस्ट में हो वो पैट्रियोटिज्म है. ओके सर, फाइनली 25 मई को मूवी रिलीज होने जा रही है, तो आपके फैंस दर्शकों को क्या कहना चाहिए? जस्ट वॉच द फिल्म 25 मई. इट्स अ फैंटास्टिक एंगेजिंग थ्रिलर, इट्स अ 2 आवर फिल्म, रियली मूव्स फास्ट. एंजॉय इट एंड लेट अस नो व्हाट यू फील अबाउट इट आफ्टर यू सी इट. ओके अभिषेक, एनीथिंग यू लाइक दैट? नहीं, जस्ट दैट कि आप प्लीज़ जाएं, अपनी पूरी फैमिली के साथ जाएं. यू सर्टिफिकेट फिल्म है, सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं और हफ्ते दर हफ्ते देखें, बार बार देखें, दैट्स व्हाट वी वांट यू नो समवेयर. बिकॉज अगर ये फिल्म अच्छा करेगी बॉक्स ऑफिस पे तो आई थिंक ऐसी और फिल्में बनेंगी. हम लोगों को एज इंडस्ट्री यू नो सक्सेस ऑल्सो इंस्पायर्स अस कि अलग लीग पे हट के अगर सिनेमा बनाओ तो लोग एंटरटेन होते हैं, वो देखते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी फिल्में देखें और यू नो हमें इंस्पायर करें. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.